बड़ी खबर आगरा से। लव जिहाद जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की ने लगाया कई बार दुष्कर्म करने का आरोप। हिंदू युवक बनकर के की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। धर्मांतरण के लिए बनाया गया दबाव तो हुआ बड़ा खुलासा। पीड़ित नाबालिग लड़की ने परिजनों को बताई अपनी आपबीती। राष्ट्रीय बजरंग दल की शिकायत पर मुकदमा हुआ दर्ज। आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र का है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक विशेष समुदाय का व्यक्ति नाम बदल करके दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसा लेता है और बाद में उसका शारीरिक शोषण करने के बाद छोड़ देता है। परेशान लड़की ने पूरी बात अपनी माँ को बताई तो परेशान गरीब माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब लड़की को माँ ने युवक से शादी की बात की तो उसने दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले की गंभीरता को देखते हुए छाना छत्ता पुलिस ने युवक की गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पहले मैं ट्यूशन पढ़ती थी तो मेरे पीछे पढ़ा था, मुझसे गया था, तुमसे प्यार करता हूँ और कहते मुझसे कह रहे थे मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो मुझसे कह रहे थे मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो मुझे ने बुलाता था। अच्छा। और मेरे से नाराज़ संबंध बनाए। अच्छा। शादी के बाद में थे। अच्छा। मैं 3-4 बार बुला लिया उसने। अच्छा। मैं 6-7 बार मेरे संग ये सब किया। अच्छा। मुझे नहीं बताया था कि मैं मुसलमान, मुझे तो हिंदू बता के मिला था। हिंदू बता के मिला था, अब पता चला कि मुसलमान। हाँ। तो उसने जबरदस्ती की थी? एक बार की थी जबरदस्ती। हाँ, तो जबरदस्ती की उसने, ब्लैकमेल करता। हाँ। ब्लैकमेल किया है? अब शिकायत कराई है? हाँ। अब क्या कह रहा है लड़का? मैंने उसकी शादी कर ली तो हाँ। मुझे धमकी दे रहा था कि तुझे मार दूंगा, तेरी फैमिली वाली को मार दूंगा। अच्छा, लगातार धमकी दे रहा है, अगर तू शादी करेगी तो मार दूंगा और तेरे फैमिली वाली को। फैमिली को मार दूंगा। शिकायत कराई है पुलिस में? शिकायत कराई है? हाँ, कराई। बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटी साथ ये अपने संग ले गया। कौन ले गया? लड़का। अच्छा। अब आने गई मैं संग शादी कर लो। हाँ। और लड़का अब कह रही बहू के राजी है, लड़का लड़की मेरी राजी है शादी में। हाँ। अब लड़का कह रहा हूँ मैं ना करना चाह रहा हूँ, गई मैया बना तो मन मारूंगा मैं। अच्छा। मार के डाल दूंगा। अच्छा। और अब हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। हाँ। तो अब बुला रहा, फिर बुला रहा है। हाँ। मुझे सम्मत करवाओ। हाँ। कैसे पता चला आपको? कल पता चला मैंने तो। अच्छा, अच्छा। कल हम जी गई है 2 बजे की निकल गए। अच्छा। 2 घंटा में लौट के आई है। अच्छा। तो पूछा पाछी करिए, मारी कूट करिए, जब जाने नाम बताओ है। तो जी कैसे पता पड़ा कि वो किस धर्म का है? अब जी भाई अब मैं तो बताए मालूम पड़ी है बाद में। अच्छा। समझ रहे हिंदू है। अच्छा। और फिर बाद में निकला मुसलमान। अच्छा। हाँ। तो क्या करती हो आप ऐसे? मैं कोटिन पे काम पे जादू लाला। हाँ। और मैं बर्तन माजू, मैं सवेरे की गायब होती हूँ। अच्छा। 3 बजे घर आती हूँ। अब मुझे कहा मालूम का रहा मेरे कल घर में कोई ना, मेरे आगे पीछे। बच्ची कैसे फंस गई आपकी? अब बच्ची मौका मालूम कैसे, मेरे घर देखे बेटी बेटा, मैं देखूँ काम कौन है, देखूँ मैं अपनी कल्ली काम करे बारी हूँ। जी, मैं पवन कुमार। ये जो बच्ची है उसकी माँ आई है जी। क्या मामला पूरा? जी मैं पवन कुमार कट्टर, हिंदू अखिल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से हूँ। हाँ जी, जी, जी। नगर अध्यक्ष। हाँ। जी मेरे संज्ञान में मामला कल रात को 8 बजे आया है। अगर जब मेरे को मालूम पड़ा कि लड़की है नाबालिग, लड़का है 24 साल की उम्र का। अच्छा। तो मैं वहाँ मामले में पहुँचा तो मेरे को मालूम पड़ा कि लड़की से नाजायज संबंध बनाए हैं इसने, जबरदस्ती जबरन ही किया जब लड़की नाबालिग है। हाँ। तो उसने नाजायज संबंध बनाए, अतिरिक्त तो उन लोगों ने बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो लड़के ने उनको मारने की धमकी दी। अच्छा। तो उसका मामले में थाने भी गया, इंचार्ज जी से मिला, इंस्पेक्टर साहब से मिला। हाँ। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप FIR करिए। जी मैंने उसके तहत मैंने FIR करी है, अब मेडिकल के लिए लड़की को भेजा है। जी हमारी मांग सिर्फ एक ही है, लड़कियों को जेल बस। तो ये लगातार इस तरीके की घटना आ रही है सर, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? थोड़ा धर्म परिवर्तन का आपको बताइए, मालूम है कि लव जिहाद का मामला है जी, बस लव जिहाद के शिकार होती आ रही हैं हमारे यहाँ की सारी लड़कियाँ। थोड़ा जागरूकता फैलाने की, जागरूकता हम फैला रहे हैं लेकिन लड़कियाँ हैं वो नहीं मानती हैं।
लड़का मुस्लिम समझ रहा है, लड़की को बताया था मैं मेरा नाम राज है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन अब मॉडर्न निकला लड़का। जी सर,